हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, बड़ी देर से डिमांड आई थी रिलेटेड टू फॉरेस्टर की क्लासेस सेट यूट्यूब पे चलाई जाए, तो प्रॉब्लम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं आज। तो गाइस, अगर हम बात करें आपका जो फॉरेस्टर का सिलेबस है उसमें जो सेक्शन नंबर ए है जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है, दैट इज साइंस कंपोनेंट, वो 32 नंबर की सेक्शन है। लेकिन सर, अगर हम बात करें उस 32 नंबर सेक्शन में हमें तीन कंपोनेंट कवर करने, दैट इज फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। तो गाइस, आज की वीडियो में हम प्रॉपरली फिजिक्स कंपोनेंट का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे, क्या क्या कंपोनेंट आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उसमें प्रॉपरली मेंशनड है दैट द पेपर विल बी बेस्ड ऑन द 12th क्लास, तो 12th क्लास के बेसिस के अकॉर्डिंग होगा। तो इधर हम आपके साथ इंट्रोड्यूस होने कराने जा रहे हैं, दैट जो मिस्टर लव सिंह सर, ये आपको इधर पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स कंपोनेंट। फिजिक्स कंपोनेंट कंप्लीटली इधर पढ़ाएंगे आपको, विद इन वन मंथ में कंप्लीट फिजिक्स कंप्लीट करवा देंगे। देखो, 32 नंबर की सेक्शन है, 32 नंबर हमने तीन कंपोनेंट पढ़ने हैं। अब अप्रोक्स आप लगा सकते हो 10 to 11 नंबर्स आपके एक सेक्शन वाइज बनते हैं। तो सर, आपको इस तरह से कराएंगे ताकि आपके जो 10-11 नंबर फिजिक्स के हैं ये कहीं भी ना जाए। प्रॉपरली सर आपके साथ अभी वीडियो के एंड तक डिस्कस कर लेंगे क्या क्या हम कंपोनेंट इसमें कवर करने वाले हैं, क्या क्या हमें पढ़ने की जरूरत है, क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हमारी जाननी चाहिए गाइज, ताकि हम ये एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर जाए। तो गाइज, जाने से पहले मैं एक और चीज आप सबको बताना चाहता हूं, डेट अगर आप हमारा फॉरेस्टर का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो, आप सिंपली हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, आईजी क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, या आप सिंपली अगर iOS यूजर भी हो तो आप सिंपली डेट, अगर आपने लैपटॉप में भी खोलना है तो आप सिंपली डेट गूगल पे सर्च कर सकते हो www.igclasses.com। हमारी वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे भी आपको एक कोर्स अवेलेबल है, आपको उधर कंप्लीट कोर्स ही मिल जाएगा जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, कंप्लीट सिलेबस के साथ रहेगा, बायो उधर हमने स्टार्ट कर दी है, सर पीडीएफ मटीरियल आपको साथ साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो जो आपको मटीरियल के साथ पढ़ा जाएगा उधर ही आपको अपलोडेड फॉर्म में आपको दे जाएगा। एट द एंड आपके जब एक तरह सिलेबस कंप्लीट होता है, हम उधर आपकी मॉक टेस्ट सीरीज भी चलाने वाले हैं, वो सिंपली एक कंप्लीट कोर्स में हम आपको प्रिपेयर करने वाले हैं एक फॉरेस्टर के एग्जाम के लिए। तो ये कोर्स आपको बता दूं, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 40% ऑफ चल रहा है, जैसे ये 50 स्टूडेंट्स अबव हो जाएगा तो एक तरह से इसकी कॉस्ट अबव हो जाएगी। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो आप सिंपली कोड यूज कर लेना 100, तो 100 कोड यूज कर लेना, आपको 40% ऑफ हो जाएगा, अराउंड 500-600 के अराउंड आपको ये कंप्लीट कोर्स आपको बता दूं, जिसमें आपका फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा, बायो भी रहेगा, आपका जो दैट इज योर इंग्लिश कंपोनेंट भी आई थिंक सो, आपका मैथ्स का भी कंपोनेंट है, वो कंप्लीट आपका जितना भी सिलेबस है वो इधर कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो, आपको मैंने लिंक ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया और साथ में कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड है, आप उधर से परचेज कर सकते हो, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट वाइज सर की होगी, तो ध्यान से समझना क्या क्या हम इधर कवर अप करने वाले। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है आपके, आई होप आप सबके हाल चाल ठीक ही होंगे। सो आज के हमारे इस लेसन में आज हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ये उठता है, तो आप सबको पता है जैसे कि अभी फॉरेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें जो हम डील करेंगे सबसे स्कोरिंग जो सब्जेक्ट रहेगा और उसमें जो मेन पोर्शन है फिजिक्स, उस सब्जेक्ट के साथ मैं आपकी डील करूँगा, ठीक है ना। उसमें क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो चीज़ें हम इसमें डिसाइड करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं और कितना पढ़ना है। कोई भी एग्ज़ाम निकालना है ना, तो सबसे पहले हमें उसमें क्या पता करना पड़ता है, हमें कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँगा, ठीक है, और सबसे पहले क्या करेंगे कि फिजिक्स में हम जो मेन मेन टॉपिक है जिससे हमारा बेस तैयार होगा, जैसे 9th-10th की साइंस आ गई, उन्होंने तो बोला हुआ है आपको अप टू 12th लेवल तक आपको साइंस करनी ही करनी है, बट अप टू 12th लेवल तक कोई छोटी मोटी साइंस तो है नहीं, ठीक है ना। और जो आप NCERT की 12th की फिजिक्स ले लेते होगे, ठीक है, अगर NCERT की आप 12th की फिजिक्स ले लेते हो ना, तो उसमें आपको कोई JEE का एग्ज़ाम तो क्लियर करना है नहीं, ठीक है ना। तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना आपके लिए जरूरी हो, जितना आपको एग्ज़ाम निकाल सको, ठीक है। आपको किसी भी सब्जेक्ट की कोई PhD वगैरह नहीं करनी है, किसी सब्जेक्ट की आपको PhD नहीं करनी है कि हाँ अगर आप मोशन पढ़ रहे हो, लाजाम मोशन पढ़ रहे हो, तो उसमें ही घुस जाना है कि कैसे हुआ, कैसे बनी ये डेरिवेशंस, आपको उसमें नहीं जाना, ठीक है ना। आपको बस ये क्लियर करना है बस, हाँ इतना भी नहीं है कि उसको आप पढ़ना है, रट्टे पे भी नहीं चलना है भाई, इतना डाउट क्लियर रखना है अपना कि हाँ मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ, ठीक है ना। तो ये सब हम चीज़ें जो है फिजिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, हर एक चीज़ बेसिक से पढ़ेंगे, जो एक आर्ट्स का स्टूडेंट होगा ना वो भी इसको आराम से बेसिक से पढ़ पाएगा, क्योंकि रट्टे से ना कभी साइंस नहीं क्लियर होती किसी चीज़, खासकर फिजिक्स, फिजिक्स की जो डेरिवेशन वगैरह होती हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ये तो नहीं सिखाऊंगा कि ये वाली डेरिवेशन कहाँ से आई, ये वाली डेरिवेशन कहाँ से आई, बट हाँ इतना है
कि उसको हम इस तरह डिफाइन करें कि आपको जो है वो बिल्कुल ईजी लगेगा, बिल्कुल हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चन को, ठीक है। और सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि हमें ये पता होना चाहिए हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है ना कि बच्चे किसी सब्जेक्ट को इतना टाइम देते हैं, ठीक है, इतना टाइम देते हैं कि वो सब्जेक्ट की वो PhD लेवल तक चली जाती है, भाई बिल्कुल डीप में घुस जाती है। वो बाद में क्या हुआ, क्वेश्चन वहाँ से आता है, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आज के हम इस, ये हमारी इंट्रोडक्शन रहेगी फिजिक्स की, इसमें हम कौन से टॉपिक जो है पढ़ेंगे जिससे जो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कुछ टॉपिक्स हैं मैंने आपके उठाए हुए हैं, ठीक है, जिसको हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आपको मैंने अभी भी बता दिया कि PhD नहीं करनी है भाई किसी भी सब्जेक्ट में PhD करनी है, हमें सिर्फ उसको समझना है। और JKSSB खासकर आपकी वो क्या पूछती है, फैक्चुअल डाटा पूछती है, कोई डेरिवेशन तो पूछेगी नहीं। हाँ वो बात अलग है, अगर बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन उसने पूछ भी लिया तो सिर्फ वो मुश्किल आपके लिए नहीं होगा, वो सबके लिए मुश्किल होगा, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम में आपके फेस ऐसे होने चाहिए, ना कि ऐसे। और हम मेरी क्लास में जब भी आओगे बिल्कुल एनर्जी के साथ आते हैं अपने, ठीक है ना। अगर आप बर्डन लेके पढ़ोगे ना, हाँ यार समझ आएगा या नहीं आएगा, तो इतना मैं बोल देता हूँ, फिर उस इंसान के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अगर आप पढ़ाई को एक बर्डन के तौर पे लोगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगा। फिर इंजॉय के साथ आओगे आप, अच्छे से पढ़ोगे, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ जाए आप कमेंट सेक्शन में आप लिख देना कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो उसी दिन मैं उसका डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक्स पे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। पढ़ने को तो बड़ा कुछ है, अप टू 12th लेवल तक साइंस जो है ना बड़ी सारी है, बट हमें ना ही कोई JEE का एग्ज़ाम क्लियर करना है, ना ही हमें कोई नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। हमें किसका एग्ज़ाम करना है, JKSSB का। तो हमें पढ़ना भी उसी तरह ही है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात रहती है यही रहती है कि हमें एग्ज़ाम में छोड़ना क्या है और एग्ज़ाम में पढ़ना क्या है। तो ये मैंने कुछ आपके जो 12 टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इन 12 टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है हमारा लाइट, ठीक है। 9th में याद होगा आपको, आपने 9th क्लास पढ़ी होगी, उसमें एक टॉपिक था लाइट। इसमें से कुछ पोर्शन जो जो कैसे थे ऑलरेडी सिलेबस में डालती है, जैसे मोशन हो गया, ये वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, और ये फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वगैरह हो गया, ठीक है ना। जैसे कि फाइनेंस ऑफ स्पैटर का पेपर है, उसमें तो वेव्स भी है। तो इन सबको मैंने एस्टिमेशन लगाया है, बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें देखी हुई हैं कि कौन सी हमें चीज़ें फिजिक्स में पढ़नी है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। देखो आपकी जो टोटल है ना वो 32 मार्क्स की साइंस बोली है उन्होंने, जिसमें हमारी केमिस्ट्री भी है, ठीक है, फिर फिजिक्स भी है, देन उसके बाद बायो भी है। अगर आप पूरे अप टू 12th लेवल तक NCERT बुक्स पूरी पढ़ना शुरू करोगे ना, केमिस्ट्री के ही कितने चैप्टर्स हैं, फिजिक्स के ही कितने चैप्टर्स हैं, और बायो के ही हैं, और आपने यहाँ पे कोई नीट JEE या फिर ये अपना बाकी अदर एग्ज़ाम जो JEE लेवल के IIT क्रैक तो करनी नहीं है आपने यहाँ पे। आपने सीधा क्या करना है, इस 32 में से आपने आपको क्वेश्चन आने चाहिए कि आपको जो है साइंस के नॉर्मली नहीं करते 25 तक आपके नंबर आने ही चाहिए। और ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज़ पढ़ी है क्या नहीं पढ़ी है और कितना किस चीज़ को कितना समय दिया है। बायो है जैसे आपकी, ठीक है ना, बायो में भी बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है ना, इतनी मुश्किल मुश्किल वर्ड्स हैं इसके, आप सबको पता है, जो जिन्होंने पहले का जिनका साइंस बैकग्राउंड होगा वो तो अच्छे से जानते ही होंगे इस चीज़ को, ठीक है। बट जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, हम एक चीज़ को हर एक चीज़ को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहले टॉपिक कौन सा रहेगा, लाइट, ठीक है। लाइट को हम अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशंस। ये देखो ये मैकेनिक्स में आ जाता है आपका, यूनिट एंड डायमेंशंस है ना, ये मैकेनिक्स वगैरह में आ जाएगा, मोशंस एंड ऑल दैट, जिसमें हम यूनिट पढ़ेंगे, फोर्स का यूनिट रहता है, वर्क का क्या यूनिट रहता है, ठीक है ना, और वो यूनिट बना कैसे, ठीक है ना। बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे बट हाँ थोड़ा बहुत उसको पढ़ेंगे। उसके बाद मोशन के बारे में पढ़ेंगे, 9th का सबसे बेसिक सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज मोशन, मोशन है क्या, फिर लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम, इनर्शिया क्या होता है, ठीक है ना। जैसे उसमें एग्जांपल सा कुछ कि आप जब बस में बैठते हो, जब गाड़ी रुकती है तो आगे ही क्यों धक्का लगता है, पीछे क्यों नहीं लगता, ठीक है ना, बड़ी सारी चीज़ें ऐसी है मोशन में। मैं बोलता हूँ साइंस को आप समझोगे ना बिल्कुल अच्छे तरीके से, मज़े के साथ आप पढ़ोगे इस चीज़ को। तो उसके बाद आता है फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स क्या है और लॉज ऑफ मोशन क्या है। देखो मोशन टॉपिक और लॉज ऑफ मोशन ये सेम ही है, ठीक है ना। पहले मोशन को हम इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे, डेरिवेशंस हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल्स के लिए काम आती हैं उनको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। देन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आगे, फिर वर्क एनर्जी एंड पावर, व्हाट इज़ वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है एंड पावर क्या होती है, ठीक है ना, इन चीज़ों को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। देन व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या होती है। सब बोलते तो हाँ जी ऊपर से हम ऊपर से कोई चीज़ फेंकते नीचे आती है, हाँ भाई नीचे ग्रेविटी है, ग्रेविटी खींचते, भाई ग्रेविटेशन है क्या,
उसके कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, बट डेरिवेशंस मैं बोलता हूँ सॉल्व करना नहीं, आपको वहाँ पे पूछना कि ये आई कैसे, बनी कैसे। आपको वहाँ पे क्या पूछेंगे, कोई क्वेश्चन दे देंगे, आपको सिर्फ वो फार्मूला अप्लाई करना है। अब वो फार्मूला कैसे आया, हाँ वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपको रट्टा नहीं मारना। मैंने आपको पहले बोल दिया, मेरी क्लास में जब भी आओगे खुश मिजाज होके आना भाई, मस्त होके आना, टेंशन छोड़ देनी है जो भी टेंशन है, ठीक है ना। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि आपके साइंस में देखो, अगर मैं 32 नंबर की साइंस बोल रहा हूँ ना, तो अगर मान के चलोगे 10 नंबर की अगर फिजिक्स भी आ गई, तो 10 में से हर बच्चा जो है 8 तो मज़े से ले ही सकता है, इस तरह का हम पढ़ेंगे। और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि भाई वो जो है आपकी JKSSB है वो क्या पता 8 नंबर की ना डालकर क्या पता 10 नंबर की डाल दे, क्या पता वो 12 नंबर की डाल दे, अनप्रेडिक्टेबल है भाई। हम कुछ नहीं बोल सकते कि वो कितने नंबर की साइंस डाल दिया कितने नंबर की नहीं। जैसे कि आपने अभी देखा हुआ हाल है कि जो फाका पेपर हुआ उसमें क्या था कि GK हमारी 30 नंबर की थी, पूछी कितने की थी 20 की, और साइंस हमारी 10 नंबर की थी, पूछी कितने की थी 20 नंबर की, हमने साइंस पूछ ली थी। तो ये अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम एक चीज़ को इंपॉर्टेंट तरीके से हर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हमारा वेव्स, वेव के साथ भाई ऑसिलेशन भी है, वेव्स एंड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन लिखना भूल गया था, व्हाट डू मीन वेव्स, क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, ठीक है ना, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, फिर साउंड क्या होता है, ये चीज़ें आपने जो 9th 10th में पढ़े होंगे, सुनार क्या होता है, ठीक है। और वेव्स जो टॉपिक्स हमारा छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, हमें 11th 12th में भी है भाई, पर हमें उस लेवल का बिल्कुल हाई लेवल का नहीं पढ़ना कि आपको हमें नीट जेई का एग्ज़ाम क्लियर करना है। मैंने आपको पहले बोल दिया हमको नीट जेई का एग्ज़ाम क्लियर करने नहीं जा रहे हैं, हम एक नॉर्मल JKSSB का एग्ज़ाम क्लियर करने जा रहे हैं, सो हमें उसी तरह का पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल डीप में घुस कर क्या फ़ायदा, आप लगोगे ना ये तीन, सोच लो 11th 12th की पूरी NCERT ख़त्म करने के लिए 3 सब्जेक्ट, केमिस्ट्री फिज़िक्स एंड बायो, भाई 2 साल बीत जाएंगे बिल्कुल डिटेल में पढ़ने के लिए, नीट जेई तो निकालना नहीं है, ठीक है। देन वेव्स आ गया, फिर वही साउंड, साउंड भी इसी के बीच में आ जाएगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो ये सब चीज़ें ना हमारी रोज़ाना ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है भाई। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारे घर का फ्यूज़ जल जाता है तो क्यों जल जाता है, क्या होता है उसके साथ, ठीक है। वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होती है, ठीक है। एनर्जी में कनेटिक एनर्जी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी पड़ेगी, हर चीज़ एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपकी क्लास। देखो मैं पहले बोलता हूँ बटन लेके पढ़ोगे, नंबर्स के लिए भागोगे ना भाई, नंबर में जाए नंबर में जाए, ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, मटेरियल काफ़ी इकट्ठा कर दोगे, इधर के नोट्स इकट्ठे कर लोगे, उधर के नोट्स इकट्ठे कर लोगे, यहाँ के नोट्स वहाँ के नोट्स, नोट्स इकट्ठे कर करके ना भंडार लाइब्रेरी बना देना, और दिमाग में कुछ नहीं है कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। सो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, इसमें हीट और टेम्परेचर के बारे में हम पढ़ेंगे, व्हाट डू मीन बाय हीट, टेम्परेचर क्या होता है। उसके बाद आई, आई के बारे में पढ़ेंगे, एंड द लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये जो आपके 12 टॉपिक्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि इसमें से मैक्सिमम जो है JKSSB इसमें से ज़्यादा पूछती है कुछ टॉपिक्स हैं, और आपको क्या लगता है JKSSB सिलेबस भी अगर पुराना रिपीट कर देती है, और मैं इतना बोल देता हूँ कि इसमें से श्योर है कि इसमें से ही क्वेश्चन आने वाले हैं और पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। हाँ बाकी अगर इसमें और कोई ऐड वगैरह हुआ कि सर ये टॉपिक रह गया वो टॉपिक रह गया, बट ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको तो हम क्लियर करेंगे, ये 12 टॉपिक्स हैं, ठीक है। और कोई बच्चा अगर इनको भी अच्छे से पढ़ के जाता है, इनको भी का मतलब ये नहीं है कि बाकी और भी छूट गए हैं भाई, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनमें से ही आएंगे जो आएंगे, और हमको बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जब अच्छे से जो आप जो बच्चा पढ़ लेगा ना, मैं उसको गारंटी देता हूँ कि उसकी 10 नंबर की अगर आ गई ना, मान लो अगर 12 नंबर की भी आती है तो 10 नंबर तो आराम से लेगा अगर वो दिल से पढ़ेगा तो। हाँ ये है कि बटर के लिए, हाँ मैंने ये भी बाहर बाहर से देख लिया, मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, मैंने बायो ऐसे देख ली वैसे देख ली, तो मोस्ट स्कोरिंग है भाई देख लो आप साइंस 32 नंबर की है आपकी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है। तो मैंने आपको आज बता दिया इंट्रोडक्शन जो आपका टॉपिक है, बता दिया आपको कि भाई मेरी क्लास में जब भी आओगे बाय करके नीचे ले जाना है कि सर हमें समझ नहीं आ रहा भाई, आपको बिल्कुल हैप्पी फेस के साथ आना है, जो चीज़ समझ नहीं आई सर हम उसको पढ़ेंगे सीखेंगे कैसे आया, जो चीज़ नहीं समझ आ रही है वीडियो को एक बार नहीं दो बार देखो, ओके। सो आज के लिए बस यही था, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है अच्छे से समझ आ गई हो कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। वो मुझे पता है जो भी बच्चा आएगा पढ़ने आएगा, ठीक है ना, वो टेंशन नहीं बिल्कुल ही लेनी है, अच्छे से पढ़ना है, और किसी चीज़ की PhD नहीं करनी है, वैदर वो केमिस्ट्री हो फिज़िक्स हो या बायो हो, मैं सिर्फ फिज़िक्स की बात नहीं कर रहा, बट मैं जो है आपके साथ डील फिज़िक्स कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, कोई PhD वगैरह नहीं करके नीट JEE का एग्ज़ाम हमें क्लियर करना है। सो आज के लिए बस यही था, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ठीक है, फिर बाय, टेक केयर और मेहनत कर रही जाओ।